आया जाए सुख सागर हर नाम गुरमुख पाया जाए। ये वाणी महाराज तीसरी पात से ही श्री गुरु अमरदास जी दिए। गुरु साहब जी सुख दस रहे है कि सुख किथे है। सुख नाम दे विच है। नाम नूं एक सागर की मिसाल दे के समझाया। सागर एक बहुत बड़े समुंदर जिथे कि था नहीं, जिहड़ा शरद गर्म नहीं हुंदा, एक रस रहिंदा है। सर्दियों में शरद नहीं, गर्मियों में गर्म नहीं। वो नाम जिहड़ा है सुखां दा सागर है, पर किसी गुरमुख ने पाया, जिसने सतगुर दे कहने मुताबक जो सतगुर ने फरमाया सो किया, मेहनत की उसने वो नाम पा ले। गुरु नानक देव जी महाराज की बाणी च फरमाते हैं, नानक दुखिया सब संसार, उन्हें किसी का लिहाज नहीं किया। राजे महाराजे शाहूकार सेठ गरीब मीर विच आ गए। जो सारे संसार नू किया, सारे संसार दे विच हिंदू मुसलमान सर गरीब मीर विच आ गए। नानक दुखिया सब संसार सो सुखिया जो नाम हदार। ऐसा कोई सुखिया भी है संसार दे विचों? कहिंदे ओ सुखिया जिसने नाम जपे, जिसने नाम दा आधार रखे, वो सुखिया है। वो पता नहीं कौन है। सो लफ्ज़ जिहड़ा है ये मुश्तरका लफ्ज़ है, इहदा किसी का नाम नहीं लिया, किसी कौम मजहब का नाम नहीं लिया, किसी बड़े छोटे का नाम नहीं लिया, इसी पुरुष का नाम नहीं लिया। सो लफ्ज़ क्या है? सो सुखिया जो नाम हदार। ये नहीं पता कौन है, किसने निकल पैना है, किसने वो नाम का अवतार लिया है। कई बार दसिया है कि जदों भगवान जी नूं ऋषियां मुनियां ने कहा कि साढ़े आश्रम विच आके दर्शन दिओ, जिस तरह कोई दौरा लैंदा है किस्म दा प्रोग्राम ले लिया, उस जंगल दे विच पीलनी रहिंदी सी, पर बड़ी गरीब सी, उदे पास खाण पीण नूं भी कुछ नहीं सी। दिल च विचार कीती, प्यार सच्चा सी, गरीबी मेरी दा सवाल नहीं है, प्यार दी जरूरत है। सच्चा प्यार होवे भावें वो गरीब हो चाहे अमीर हो, प्यार सच्चा सी। सोचिया कि हो सकता है कि बड़े बड़े अमीर ऋषि मुनि ने मेरी झोंपड़ी विच भगवान नूं आउण देण या ना आउण देण, ये कोई पता नहीं। पर बाई चांस जे आ भी जाण ते मेरे पास ते कुछ नहीं, मैं भोग कादा लगावांगी, की देंगे उन्हें। प्यार देखो किस तरह का। जंगल विच गई जाके मिठे मिठे चख चख के बेर तोड़े कि कोई कौड़ा बेर ना भगवान जी नूं आ जाए, अपनी झोंपड़ी च रख ले। जदों भगवान जी उस टाइम ते गए, पुछया एक ऋषि नूं कि ये मकान किहदा है? जी मेरा है।
दूसरी ने पूछा जी मेरा है, तीसरी ने पूछा जी मेरा है। इसी तरह सारे मकान लंघे, किसी ने किया नहीं भी भगवान जी थोड़ा भी है। किसी मकान च बैठे नहीं, पूछा इतने कोई होर भी है साधु, कह लगे जी एक भीलनी है, वो बड़ी दूर जी झोंपड़ी उसी दसी। भगवान जी उत्थे चले गए, जाके पूछे झोंपड़ी की दी है, गल च पला पा लिया, हाथ बन लाए, कहंदी महाराज ये झोंपड़ी भी आप दी है, मैं भी आप दी हाँ, मेरा इत्थे कुछ नहीं। देखो प्यार जेड़ा है, प्यार की कुछ करता है। भगवान ने भोग लगाने वास्ते वैर रखे अगे, हर मंदरां विच हर जगह विच लोकी हुण शब्द पढ़ते हैं, भगवान ने भीलनी दे झूठे वेर खादे, जगह जगह शब्द पढ़ते हैं। ऋषियां मुनियां दे पकवान पक्के हुए, चंगे चंगे छड़ दिते, ते पीलनी दे झूठे बेर खादे। क्यों खादे? असीं इह विचार करना कि क्यों खादे, पकवान क्यों नहीं खादे? वह बेर जिहड़े सी वह सच्चा प्यार सी, पकवान जिहड़े सन वह मन वड्याई दे सी, वो कुछ भी नहीं सन। सारे ऋषि मुनि परेशान होए कि साडे पक्के पकवान, अच्छे अच्छे मकान, भगवान जी इत्थे बैठे नहीं, तो पीलनी दी कखां दी झोंपड़ी च बैठ के जाके और उसके झूठे बेर खादे। जदों देखिया सारे परेशान, तो भगवान ने कहा भाई पहला नंबर तुहाड़ा सी, मैं तुहानूं पुछिया सारिआं नूं मकान किहदा है, तुसीं किहा जी साडा है मेरा है, दूसरे ने किहा मेरा, तीसरे ने किहा मेरा, किसे साडा भी किहा भी तुहाडा भी है, किहे दे मकान च कोई किदां बैठ सकदा। उस बेचारी ने कखां दी झोंपड़ी सानू सौंपी भी इह तुहाडी है, जो कुछ उहदे पास है सी असीं उहदा भोग लगा लें। हुण जो कुछ गुरु साहब जी बाणी जी फरमा रहे ठीक फरमा रहे है, वो नाम जिहड़ा सुखां दा सागर है, सागर बहुत बड़े समुंदरां नूं कहा जांदा है, जिहदा पाणी ठंडा तत्ता नहीं हुंदा, इक रस रहिंदा। उस नाम दे विच भी वो शक्ति है, ताकत है, पर किसे गुरमुख ने पाए। गुरु साहब जी बाणी जी फरमाउंदे ने वो किसे गुरमुख ने पाया, ये नहीं पता कि वो प्यार वतबार विश्वास कित्थे आ जाना, किने कर लेना। हाँ जी सुख सागर नाम गुरमुख पाया जाए, अनदिन नाम ते आई हर एक चीज पासों सानू सबक मिल सकता है। अंदाजा असी लगा सकते हैं कि रोज़ काम करन नाल उस काम दा उहदी पोजीशन किदां दी बन जाती है। आण दिन दस्या है, आण दिन नाम त्या है, तू रोज़ नाम जप। तू ये ना कहो, बहुत सारे लोग इन्हां फुरनिआं विच रहिंदे है, असी भजन बैठे हैं सानू लभा कुछ नहीं,
ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਲੱਭਦੇ ਕੀ ਹੋ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਭਾ, ਕੋਈ ਉਹਦਾ ਸਬੂਤ, ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੱਭਦੇ ਹੋ? ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਲੱਭਾ ਨਹੀਂ ਕੁਛ। ਇੱਕ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰੀ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਵਾਹ ਕੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਦੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਣਕ ਚੌਲ ਨਹੀਂ ਲੱਭੇ। ਉਹ ਰੋਜ਼ ਬਣਦਾ, ਰੋਜ਼ ਬਣਦਾ, ਬਣਦਾ ਬਣਦਾ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਹਦੀ ਪੁਜੀਸ਼ਨ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ ਸੋਹਣੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਜੁੱਤੀ ਲਾ ਕੇ ਵੀ ਲੰਘਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੁੰਦਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜੁੱਤੀ ਵੀ ਲਾ ਦੇਈਏ, ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਤੁਰੀਏ ਵਿੱਚ, ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਆਨੰਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਬੜੀ ਬਰੀਕ, ਬੜੀ ਸਾਫ਼ ਹੋਈ। ਪਰ ਰੋਜ਼ ਬਣ ਨਾਲ, ਰੋਜ਼ ਸਕੂਲ ਜਾਣ ਨਾਲ ਲੜਕਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਜੱਜ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਰੋਜ਼ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਫਰਮਾਇਆ, ਆਣ ਦਿਨ ਨਾਮ ਧਿਆਈ, ਆਣ ਦਿਨ ਹਰ ਵਕਤ ਹਰ ਕੜੀ ਤੂੰ ਨਾਮ ਧਿਆ, ਫਿਰ ਉਹ ਨਾਮ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਅਸਰ ਕਰ ਜਾਏਗਾ, ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਤਾਕਤ, ਉਹ ਸ਼ਕਤੀ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਤਾਓ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਤਾਕਤ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਣ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਾਂਡਵਾਂ ਦਾ ਗੁਰੂ ਦਰੋਣਾਚਾਰਿਆ ਸੀ, ਪੀਲ ਦਾ ਲੜਕਾ ਸੀ ਇੱਕ, ਉਸਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿਓ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣਾ ਸਿੱਖ ਬਣਾਓ। ਬੜਾ ਅਫਸੋਸ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਜਿਹਨਾਂ ਯੁੱਗਾਂ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਘਾਤ, ਜਿਹੜੇ ਜ਼ੁਲਮ, ਜਿਹੜੀ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਉਹਨਾਂ ਯੁੱਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਹੈ, ਅੱਜ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਇਤਿਹਾਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੱਕ ਮੁਰਸ਼ਦ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਸਮਝ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਸਿੱਖ ਨਾ ਬਣਾਵੇ ਅਤੇ ਮੁਰਸ਼ਦ ਕਾਹਦਾ ਹੋਇਆ ਫਿਰ? ਮੁਰਸ਼ਦ ਦਾ ਪੰਜੇ ਪਾਂਡਵ ਗੁਰੂ ਦਰੋਣਾਚਾਰਿਆ ਸੈਰ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਉਹ ਜਾਨਵਰ ਦੇਖਿਆ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਇਸ਼ਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਇਹ ਕੌਣ ਹੈ, ਇਹ ਕੰਮ ਕਿਹਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਇਸ਼ਾਰਾ ਦੇਣ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਇਹ ਕੰਮ ਕਿਹਨੇ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ, ਗੁਰੂ ਦਰੋਣਾਚਾਰਿਆ ਨੇ ਵੀ ਮੈਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਉਹ ਲੜਕਾ ਮਿਲ ਪਿਆ, ਉਸ ਲੜਕੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਤੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕੀ ਕੰਮ ਕਿਹਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਇਸ ਜ਼ੁਲਮ ਦਾ ਮੈਂ ਹੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। ਤੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਗੁਰੂ ਧਾਰਿਆ, ਕਿੱਥੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਹੈ? ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਦਰੋਣਾਚਾਰਿਆ ਹੈ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਹੋ। ਪਾਂਡਵਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ, ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ? ਪੁੱਛਿਆ ਗੁਰੂ ਦਰੋਣਾਚਾਰਿਆ ਨੇ ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਉਪਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਤੈਨੂੰ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਆਓ ਮੇਰੇ ਨਾਲ। ਉਸ ਕੁਠੀਆ ਵਿੱਚ ਲੈ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਪੂਰਾ ਪੂਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੁੱਤ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨਕਸ਼ਾ ਪੂਰਾ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਆਹ ਤੁਹਾਡਾ ਫੋਟੋ ਹੈ, ਹਾਂ ਮੈਂ 24 ਘੰਟੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪੂਰਾ ਧਿਆਨ ਧਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਪੂਰਾ ਧਿਆਨ ਧਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਧਿਆਨ ਧਰਦਿਆਂ ਧਰਦਿਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਣ ਸੀ ਉਹ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ਿਸ਼ ਹਾਂ। ਬੜੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋਏ ਕੀ ਬਣਿਆ। ਫਿਰ ਦੇਖੋ ਤੰਗ ਦਿਲੀ, ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਖੁਸ਼ ਹੋਣਾ, ਬਜਾਏ ਖੁਸ਼ ਦੇ ਵੀ ਇਹ ਕੀ ਬਣਿਆ। ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਤੂੰ ਸਿੱਖ ਤਾਂ ਬਣਿਆ ਲੇਕਿਨ ਦਰਸ਼ਨਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ,
कहन ले महाराज दसना तुसी हूँ लै लो जिहड़ी लैनी है दसो हुक्म करो। सज्जा अंगूठा दे दे। सज्जा अंगूठा उसका वड लिया कि अगे वास्ते ये तीर ना चला सके। हुण जो गुरु साहब जी बाणी जी फरमा रहे ठीक फरमा रहे आन दिन जिस जिसने भी पिछले इतिहास सबूत देंदे है जिसने आन दिन उस प्रभु का नाम ध्याया उहदे विच जरूर उहदे गुण आ गए। चाहे कोई भी है, चाहे वह गरीब है, चाहे अमीर है, चाहे बड़ा छोटा है, कोई भी है इसरी जां पुरुष, पर आन दिन ना जे कवे कि आज नाम जपिया आज ध्यान धरिया ते महीने बाद फिर धरांगे ध्यान, वो नहीं। हर काम असी रोज करते हैं, हर काम ही असी रोज करते हैं। तुसी मामूली जिन्हों मोटा काम समझते हो जिमीदारी उन्हों असी रोज नहीं करते कि वह जमीन दे असी पाड़े करते हैं। सिहाड़ नाल सिहाड़ मेल के चंगी तरह जे पाड़ा हो भी जाए तो दूजी बारी उस पाड़े नूं कढ़न की कोशिश करते हैं तो पाड़ा रहन देईए। क्यों असी उस पाड़े नूं लैंदे हैं? ये पता उस नूं कि इस पाड़े ने बहुत बड़ा नुक्स पाना है। फुट मरबा जमीन जिहड़ी है ये दुआलों दुआलों उन्हें बत्तर सुका देना, उहदे विच तरी नहीं रहनी, ताकत नहीं रहनी। इस वास्ते वो मुड़ के उस पाड़े नूं लै लैंदा। तुसी इस पासे ही ध्यान लै लो। बाहर दे असी मसालां जिहड़ियां संतां ने दित्तियां ने वह साढ़े समझाउण वास्ते दित्तियां कि जे एक जिमीदार दा पाड़ा जिहड़ा जमीन दा उही उहनूं खराब करदा है ते साढ़े पाड़े जिहड़े है सानूं खराब ना करन। असी जिहड़े पाड़े करदे हाँ कि उहदे विच सानूं कोई फायदा होएगा? संतां ने बाणी विच जो कुछ फरमाया ठीक फरमाया, आन दिन दस्या, आन दिन नाम त्या, फिर वह नाम सहजे 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 तेरे विच उहदी ताकत बन जाएगी। वो ये नहीं कि कोई मूँह विच बर्फी की टुकड़ी पा लैनी है, लड्डू पा लेना है, नहीं। वो शक्ति जिहड़ी है हर एक चीज़ का असी अंदाजा ला सकते हैं कि वह तरीके नाल वक्त नाल सहजे सहजे आउंदी है। तुसी किसे फरूट का अंदाजा ला लो, कोई भी फरूट है जदों दरख्त नूं पैंदा है बूर पैंदा है छोटा जिहा पिछे वह पैंदा, हौली 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 वह वधदा जांदा। एक दिन उसे विच फरूट विच तुसी कच्चा खाओ तो वह भैड़ा लगेगा तुहानूं, लेकिन एक दिन उहदे विच मिठास आ जांदी, वो मिठा हो जाता है। तुसी उस दरख्त के पत्तियां नूं खाओ तो उन्हें मिठे नहीं लगनगे, दरख्त के सिकड़ां नूं खाओ तुसी मिठे लगनगे नहीं। कहिंदे फरूट च मिठा कित्थों आ गया? असी ये सोचना उस फरूट च मिठा कित्थों आया, क्या मिठे दे कोई टीके लगे? वो सहजे सहजे जिहड़ा उस डाणी नाल लगा रहा सहजे सहजे उस दरख्त दे विचों उहनूं ताकत मिलदी रही, वह एक दिन उहदे विच मिठास आ गई। इस तरह ही असी भी जिस तरह बाणी फरमाउंदी है इस तरह करते रहांगे, एक दिन साढ़े विच भी वह ताकत जरूर आ जाएगी। वो वधी वधाई नहीं जिहदे बहुत सारे लोग कईआं दीआं गल्लां सुणो ते कई कहिंदे ओ जी लाइट इत्थों उड्डी असी देखी है ते फलाने दे मूँह च पै गई। लाइट है कि जां टटैना है जिहड़ा पै गया, ये तो कमाई का मजबूण है। हर एक चीज़ कि दाने दियां बोरियां नहीं किसी के घर पै गई बगैर बाया, बगैर मेहनत कीतियां दाने दियां बोरियां नहीं पै गई किसी के घर, बगैर मेहनत कीतियां किसी के घर फरूट के टोकरे नहीं चला गए है। तो वह लाइट जिहड़ी है वह लाइट कोई की है जिहड़ी किसी के मूँह च जां किसी के ढिड्ड च जाके पै जानी है? बाणी नहीं मनदी। उहदे सहजे उन्हें कहा कि तुसी आन दिन नाम त्याओ ते हौली हौली
वह ताकत जड़ी है अंदर बनती जाएगी। हाँ जी आना देना नाम ते आई सहजे नाम समाए अंदर चे हर सच जो रसना हर गुण गाए पढ़ो मुड़िए पाई रे जग यही तो मुड़िए पढ़ो अंदर चे हर सच जो ये रचा जेड़ा शब्द है इन्हें चाप दे क्यों तो ये सीधा को अंदर रचे अंदर चे हर सच जो रसना हर गुण गाए। गुरु साहब जी बड़े प्यार नाल फरमा रहे हैं कि उस सिख अंदर वो शब्द नाल रच जाता है वो सच शब्द है वो नाल रचिया होंदा है। जिस तरह आम बंदा भी किसी नू दूसरे नू कहिंदा कि तू बड़ा यार इस काम च रचिया पचिया आम बंदे नू भी बंदा कह देंदा हैगा तैनू बड़ा शौक है या बड़ा तैनू चस्का है। इस तरह वो गुरमुख उस शब्द नाल रच जाते वो सच्चा शब्द है उन्होंने अतबार विश्वास उदे उत्ते बिल्कुल वो बच जाते कि सच है तो यही है और सब कोई झूठ है। आन दैन वो फिर नाम जपते है एक दिन उन्होंने पावर जी ताकत है वो आ जाती। हाँ जी अंदर चे हर सच जो रसना हर गुण गाए। गुरमुख दा हर अंग जड़ा बदल जाता है अखां बदल जांदियां ने कान बदल जांदे है रसना बदल जांदी है। वो कन्न भी गैर चीज़ नू नहीं सुनगे वो प्रभु की कीर्तन नू सुनगे अखां भी अपने हक नू देखणगियां वो गैर हक नू नहीं देखणगियां। रसना जिहड़ी है वो होर गल्लां छड़ के ते इक प्रभु दा नाम उहदा सिमरन करेगी 24 घंटे। साड़ी रसना असी अपना अंदाजा लगाइए कि असी मुल्क दियां गल्लां करदे हां जिहड़ियां नहीं करन वालियां वह भी करदे हां साड़ी रसना विच उही असर आउणा है। उन्हां गुरमुखां दी रसना दे विच जैने वो रस आ जाता है वह गुण आ जाता है कि वो जिस वक्त भी बोलणगे वो मालक का नाम ही जे किसी नाल भी गल करनगे उन्हों भी कहणगे भाई तू भी नाम जप तू भी वो प्रभु की भगती कर। हाँ जी भाई रे जग दुखिया दूजे पाए पाई रे जग दुखिया दूजे पाए। गुरु साहब जी साडा दुख दस रहे है कि इन दुख कदा है। ये स्वामी जी महाराज भी बाणी जी फरमाया ऐ सुरत मैं जानदा तू दुखी है पर कादी तू दुखी है जदि मन संग दोस्ती लगाई है मन दे नाल तेरा प्यार होया है आदि तू दुखी है। गुरु साहब जी फरमाते भाई रे जग दुखिया दूजे पाए एक शब्द दूजी माया है। माया हर एक चीज नू किया जाता है सिर्फ पैसों नू ही माया नहीं किया जाता ये तो पैसे जगत का काम चलाउन वास्ते ने माया साड़ा शरीर भी है माया धियां पुत्र भी ने माया जायदादा ने हर एक चीज़ रिश्तेदार सज्जन मित्र माया कि जिन्हां दा असी माण करदे हां माण करके सानू चौरासी जाना पैंदा है गलत काम करदे हां
कई बार ये साखी दसी है कि एक महात्मा दे नाल माया का झगड़ा होया, आप विच बहस मुआसा होया। महात्मा ने कहा कि मेरे सिख जेड़े है वो बड़े विश्वास वाले, बड़े प्यार वाले है। माया ने कहा कि नहीं, जेड़े मेरे सिख है वो बड़े विश्वास वाले, चलो उन्होंने ट्राई कर लीए। चला गया महात्मा, एक सिख दे घर चला गया जिन्हों समझदा ही कि यह बड़ा प्रेमी है। भाई सिखा, मैं तेरे घर एक दो दिन रहना है। महाराज बड़ी खुशी नाल रवो, असी जथा शक्ति तुहाड़ी सेवा करांगे, पर एक गल है, जिस कमरे विच मैं रहना मैं उसे विच रहना, उनू तब्दील नहीं करना। कहन लगे जी कोई गल नहीं, कोई होर आएगा असी होर कमरा दे देंगे, कमरे साढ़े कोल बड़े है, तुसी बड़ी खुशी नाल रवो। पिछे पिछे जोगन रूप बनाया, माया भी चला गई। जदों चला गई तो कहन लगी, भाई सिखा मैं तेरे घर एक दो दिन रहना। कहन लगे जी रवो, जदा सकती तुहाड़ी भी असी सेवा करांगे, पर एक गल है, मैं अपना खाना आप बनाउंदी हाँ, मैनू रसो दे बर्तन दे दे। उसे ना रसो दे भांडे दे दिते, उसनू खाना की बनाना सी, जो भांडे सोने दे उन्हें बना दिते। देखो हुण चलदी किस तरह माया, किस तरह प्यार नू घटाउंदी है दूजे, सोने दे भांडे बना के उन्हूं दे दिते। भाई सिखा मैं रोज़ नवें भांड्या विच ही खाना बनाउंदी हाँ, तो मैनू होर भांडे दे दिते, आ लै लै तूं। जदों उस सिख ने देखे सोने दे भांडे, उहदियां ते अखां फिर गईआं, रुपईए चों चार ने प्यार महात्मा दा घट गया। साडा प्यार जिहड़ा उह की है, सानूं हाले तक इह भी पता नहीं कि प्यार किहनूं कहिंदे आ। साड़ी बिरती जिहड़ी है उह जिहड़ी सतगुरु दे चरणां विच रहिणी है बिरती, उह साडा प्यार है। अगर साडी बिरती अगे पिछे जांदी है तो साडा प्यार घटदा हैगा। हुण उह बिरती जिहड़ी सी उस दी, उह चार ने रुपईए चों उस जोगन वल हो गई, क्योंकि सोने दे भांडे स। दूजे दिन फिर उसने वह भांडे जिहड़े सोने दे बनाए उसनू दे दिते, ते मैनू भाई तू होर भांडे दे दे, मैं रोज़ नवें भांड्या रोटी बनाउणी। तां फिर ध्यान भांड्या वल चला गया, ते महात्मा दा प्यार जिहड़ा सी रुपईए चों आठां ने रह गया। तीजे दिन भी इसे तरह कीता, चौथे दिन भी कीता, ते प्यार बिल्कुल ही खत्म हो गया महात्मा दा। तो यही कहिंदा कि महात्मा दे अंदर बड़िया है तो कुछ करता ही नहीं, ये जोगन बहुत अच्छी जिहड़ी सोने दे भांडे बनाउंदी हैगी। तो महात्मा चला भी जाए तो कोई फर्क नहीं पैंदा, भी ये नहीं जानी चाहिए। पर मूर्ख नूं यह नहीं पता लगा कि पहला क्यों नहीं भांडे बनाण आई है, ये हुण महात्मा आया तो भांडे सोने दे बनाउण लगी है, पहला क्यों नहीं बनाए। कहन लगी, भाई सिखा ये जिस कमरे दे विच महात्मा रहिंदा ये कमरा मैनू दे दे, ते जे तू नहीं देना तो फिर मैं चले जाणा। जदों चले जाण दा नां लिया तो उहदियां दे नाड़ां तिड़क गईआं, भी नहीं ये नहीं जानी चाहीदी, महात्मा चला जाओ तो कोई फर्क नहीं पैंदा, उह अंदर ही वड़िया, उह किहड़ा कम कर रिहा कोई। कहन लगे जी कोई गल नहीं, असीं कमरा तब्दील कर दिंदे आ। यानी सारा ही प्यार उहदा खत्म करना सी उसने, जो बाणी जी दस्या है कि दूजे पाए। महात्मा ने कहा, महात्मा जी तुसी ये कमरा छड़ दिओ ते नाल दे कमरे च हो जाओ। महात्मा ने कहा, महाराज भलिया लोका मैं ते तेरे पास तेरे नाल वायदा किया है कि मैं जदों जिन्हें दिन भी रहना इसे कमरे च रहना। कहिंदे जी कोई डर नहीं, असीं वायदा किया तो असीं कहड़े मुकरदे आ, तुसी नाल दे कमरे च हो जाओ, की फर्क पैंदा तुहानूं। कहन लगे महात्मा अड़ गया कि नहीं, मैं तो भाई इत्थे ही रहना, मैं इसे कमरे च।
कहने लगा महात्मा जी इन्हें जिद क्यों कर दो, कमरे कड़े तुसी आप पाए है, कमरे भी ते असी पाए है। जद इत गल आ गई मुक गई गल, महात्मा ने सोचा हूं तो बिल्कुल ही प्यार खत्म हो गया, हूँ कुछ नहीं रहा ये। महात्मा ने अपना बोरी बीसरा चुकिया तो चला गया, पीछे पीछे जोगन भी चला गई, ना महात्मा का प्यार रहा ना सोने के भांडे रहे। पर जे वह महात्मा नाल प्यार रखता तो सोने के भांडे बनते ही रहने से, वो बनते ही रहने से, क्योंकि ये हजूर फरमाते होंगे सी माया जिहड़ी है संतां दी दासी है, एक इर्द गिर्द रहिंदी है, कदी अगे पिछे नहीं होंदी, ये किधरे नहीं जा सकती, दरख्तों के छोरे दरख्तों के थले ही रहिंदे है, वो छोरे कदी जा नहीं सकते है, तो ना उन्होंने कोई छोरियां नूं पंड बन के घर लै सकता है, वो थले ही रहणगे। सो इस वास्ते बाणी विच जो कुछ क्यों दुखी है, जदों साडा दुई नाल प्यार होंदा है, अदों सच्चे परमात्मा नालों प्यार साडा टुट जाता है, सतगुरु नालों प्यार टुट जाता है, तो दूजे पासे साडा प्यार लग जाता है, वो फिर दुई जिहड़ी है वो साढ़े को नजायज कम कराउंदी है, चंगे नहीं कराउंदी। हाँ जी, पाईए जग दुखिया दूजे पाए, पाई रे जग दुखिया दूजे पाए। असी देखिया कि जिदे पास ये आ जाती है उसके पासों नेक काम नहीं कराउंदे, जारा जारा हजार का एक एक पटाका दियाली दे विच, जारा जारा हजार का एक पटाका जेड़े चलाउंदे हैगे, तुसी दसो जारा हजार रुपया किसी गरीब नूं रोटी जां कपड़ा जां राह रस्ता ही किते ना किते लाउंदे, जारा हजार रुपये नूं अग ला दित्ती, एक एक पटाका जारा सौ का एक पटाका आउंदा, वो कट्ठे करदे आ, 15 मिनट चलदा है, तुसी दसो उस माया ने की कराया, कोई नेक काम कराया? माया तारी जिहदे पास हुंदी है ये आ जाती है दूई। कई बार दसे कि गरीब बंदा होटल विच जाके 4-5 रुपये दाल फुलका, वो 4-5 रुपये ला के दाल फुलका खा के पेट भर लैंदा है, तो जिहड़ा दूसरा माया वाला है वो जाके 100-200 रुपया खर्चेगा, पेट उसका भी उन्ना ही है, लेकिन वो जहरीलियां चीज़ा खाएगा, वो आंडे मुर्गियां खाएगा, बिकसियां पीएगा, होर कोई चीज़ा खाएगा, वो 100-200 रुपया खर्चता है, क्या वो कर्म नहीं है? एक 4-5 रुपये दे के पेट भर लैंदा, एक 100-200 रुपया ला देंदा है, कि वो कर्म नहीं? किन्या बंदियां दा खाना, किन्या बंदियां दा पेट उहदे नाल भरिया जांदा सी, जिहड़ा एक बंदे ने ही खर्चा कर दिता। ये माया जिहड़ी है ये सानूं नरकां च भी लै सकदी है, तो बहिश्तां च भी लै जांदी है, पर तरीके नाल लगे तां। हाँ जी, गुर शरणाई सुकल आन देन नाम ते आए। हुण दुख पहली तुक विच दस्या कि तू दुखिया क्यों है, जदों तू दूई वाला हो जांदा है उदों तू दुखिया हो जांदा, भाई जे तू सुख लैना तो सतगुर की शरण में रहो, और सतगुर की कहेगा कि नाम त्या ईश्वर की भगती कर, वो ये नहीं कहेगा तू चोरियां ठगियां फरेबकारियां कर, नहीं वो कहेगा नहीं तू भगती कर, परमात्मा वल ध्यान दे। अगर सुख इसने लैना है तो इस चीज़ में सुख मिलेगा और कते नहीं।
सारे महापुरखों ने, क्योंकि महापुरखों की बाणी इको है, उन्हों की इको राय है, हर एक ने नाम विच ही सुख दसिया है। हाँ जी, गुर शरणाई सुख देन नाम ते आए सारे मैल न लगाई मन निर्मल हरत आए। गुरु साहब जी बड़े प्यार नाल फरमा रहे हैं, सच्चे मैल नहीं लगे, ऐ मन तू नाम जप। तुसी ये सारे जानते हो कि जितने भी महापुरख होए है पिछे, उन्होंने मैल लाने वास्ते असी बहुत कोशिश की थी। असी लोगों ने उन्होंने बड़े बड़े इल्जाम लगाए, बड़े बड़े दुख दिते है, लेकिन उन्होंने मैल लगी नहीं। क्यों? उन्होंने अंदर सच से मैल लगी नहीं, वो फिर खरे दे खरे रहे। गुरु साहब जी जो बाणी जी फरमा रहे ठीक फरमा रहे है, ऐ मन तू नाम त्या आन दें, सच नू मैल नहीं लगती। हाँ जी, साचे मैल न लगाई मन निर्मल हरत आए गुरमुख शब्द पछाड़ी नाम समाए। गुरु साहब जी बड़े प्यार नाल फरमा रहे है कि जेड़ा गुरमुख है वो दिन रात नाम जपदा है, उन्हों उस नाम की वाकबी हो जाती है, वो पछाण लेंदे है पर दिन रात नाम जपन ना। अगर वो दिन रात नाम जपन ना उधर ध्यान रखन तो उन्होंने भी पछाण नहीं होंगी। साढ़े सारे दे अंदर वो ताकत है, लेकिन सानू वाकबी नहीं, सानू कोई पछाण नहीं। असी दूसरिया चीज़ों के रले हैं जेड़े कि हमेशा दुखी करते हैं। जिस तरह हजूर कई बार फरमाते होंगे ही कि गधा, गधियां दा चरवाल सी, वो गधियां नू चार रहा सी बाहर दरिया के किनारे ते लै गया पानी पिलाण वास्ते। एक शेर का बच्चा भी उत्थे पानी पींदा सी ते वह भी विचे रल गया ते उसने वह लाठी जी मारी कन्न ते, शेर के कन्न ते ही बजी ते नाल किया भी शाम पैन लगी है, तुसी घर नूं नहीं चलदे, अजे पई नहीं पैन लगी है। ते शेर नूं कदे किसे ने मारी नहीं लाठी अज तक, उदे कन ते बजी। जदों मारदे गधियां नूं कन ते मारदे होर नहीं किते मारदे। शेर नूं अपनी ताकत भुल गई कि मैं शेर, गधियां विच रल गया। सुबह होई उसने उहदे ते भी लादा लद लिया, लादा लै के उह जा रहे सी। एक दरिया के किनारे शेर एक पानी पींदा सी, उसने देखिया अख चरा के कि मेरा भरा ये गधियां दे विच किदां आ गया, ये शेर है ये गधे है, इन्हों का मेल किदा हो गया। उन्हों अपनी बोली विच उसने कहा भी तू शेर है तू गधियां जी किदा रल गया, कहिंदा चुप कर जा, जे शाम तेरे ते भी आई तो तेरा भी यही हाल होगा। उसने सोचा है कि दबाव थले आ गया, किसे प्रेशर च आ गया है। उन्हें आख्या तू मूँह देख पानी च अपना, जल उन्हें पानी च मूँह देखिया तो शेर गरजया, वो छट भी लथ गई, गधे भी नस गए, शेर वो गधियां का मालिक भी नस गया।
शेर शेरां च रल गया। हजूर फरमाते होंगे सी कि साडे जिहड़े साडा मन जिहड़ा ये इन्हां दा चरवाल है, साडे विशे विकार जिहड़े है ये सारे गधे है, तो मन इन्हां दा चरवाल है, साडी रूह आत्मा इन्हां दे विच फस गई हैगी। सतगुर शेर आउंदे है, वो सानू बोलियां मारदे है, वो सानू समझाउंदे है कि तू अपना पछाण, तू है की है, तू क्यों इन्हां गधियां विच रलिया है। जिहड़ा कोई उन्हां दी बोली नू समझ जांदा है, उन्हां दे इशारे नू समझ जांदा है, वो इन्हां गधियां चों निकल जांदा है, वो बच जांदा है, अपने घर पहुँच जांदा है। जिहड़ा नहीं बोली नू समझदा वो फसिया रहिंदा है। सानू ये नहीं पता कि साड़ी ताकत की है, ये संत सानू समझाउंदे आ के कि तुहाड़ी बड़ी बड़ी ताकत है, तुसी सब कुछ कर सकते हो। हाँ जी, गोरा मुख शब्द पछाणी हर अमृत नाम समाए, असी सारे लोग अब ज्ञानी अंधेरे विच। सतगुर आके सानू वो ज्ञान देंदा है कि जिहदे विच रोशनी पैदा हो जाती है। जद तुसी देखो नेरे दीवावती जगाओ तो नेरा किधर जाता, जब दीवावती बुझ जाता तो उही नेरा छा जाता है। जिहदे अंदर वो ज्ञान आ गया, आप ज्ञान अंधेरा जड़ा उड़ गया। हाँ जी, ज्ञान गोर ज्ञान पर चांद बलाया अज्ञान अंधेरा जाए, मन मुख मैले मल कार बिन शब्द मेल न उतरे, मर जा में हो एक वार। गुरु साहब जी बड़े प्यार नाल फरमा रहे कि बगैर शब्द दे पाई वो मैल उतर नहीं सकते। असी मरदे रहांगे, जमदे रहांगे, खुआर होंदे रहांगे, कदी किसी जन्म भी चले जावांगे, कदी किसी जन्म चले जावांगे, जा 84 भी जी गए एक जन्म नहीं, कई जन्म है जी, कई ऐसे ऐसे भी जन्म है जिहड़े बिष्टे दे कीड़े भी बनते। देखो मनुष्य जन्म किथे है, और बिष्टे दे कीड़े बन जाना कितना ये थले चला गया बगैर एक नाम ते। अगर नाम जपया जाए, उस मालिक की भगती की जाए, साड़ी मुक्ति हो जाएगी, असी अपने देश चले जावांगे, अपने मालिक नाल मिल जावांगे, आना जाना साड़ा मुक जाएगा। हाँ जी, बिना शब्द मैल ना उतारे, मर जा में हो गुआर। मैल असी तारन की कोशिश बहुत करते हैं, जितने भी असी कर्म कांड करते हैं सारी मैल लाण वास्ते करते हैं, लेकिन मैल लसदी नहीं। कोशिश जरूर असी करते हैं लेकिन मैल लसदी नहीं। जे असी इनान करते हैं, दान करते हैं,
कुछ भी करते हैं मैल साड़ी लसदी ने, क्योंकि जिथे मैल लगी है उत्थे साड़ा सोडा साबण दे पानी नहीं जा सकता। बाणी विच गुरु साहब जी फरमाउंदे है जे साडे शरीर नूं ऐस बदल नूं मैल लगदी है, कट्टा मिट्टी लगदा सी पानी विच शरान कर लैंदे, जे साडे कपड़े मैले हुंदे है सोडे साबण नाल असीं धो लैंदे मैल लस जांदी है, पर जिथे वह मैल लगी कर्मा की मैल लगी है उत्थे ना ये सोडा साबण जांदा है ते ना ही ये पानी कोई असर करता है। उन्हें बाणी च लिखी है भरी हाथ पैर तन दे ला पानी उतर सुखे मूत पलीत कपड़ हो ते ला सबूण लईए तो परिये मत पापा के संग वो उतरे नामे के रंग। साड़ी मत जिहड़ी है पापा दे नाल भरी जाएगी वो नाम दे नाल ही उतरेगी मैल, इदा नहीं उत्थे नाम भी बदे है और साडे कर्म जिहड़े वह भी बदे ने ते नाम भी बदे है। चोर ही चोर नूं फड़ सकदा है, भले मानस ने भी कदे चोर फड़िया है भला मानस कदी नहीं फड़ सकदा। बड़े चिर की गल है साड़ी कोई कणक बाड़ी ले जाए तो असी पंजां सत्तां मुंडिआं ने इदां कट्ठे होकर जाना राखी करन वास्ते, गल्लां करदे जाना गल्लां करदे आ जाना मगरों उन्हें फिर पढ़ लैनी रोज उन्हें पढ़ लैनी रोज असी राखी भी करते रहने हाँ जी बाजी पल चल पार। गुरु साहब जी बड़े प्यार नाल फरमा रहे हैं कि भाई तू वो काम कर रहा है जिदे विच कोई फायदा नहीं, ना रवार ते ना पार। जिस तरह कोई किसी दरिया नूं लंघना शुरू करता है टपदा है, जब पानी विच जांदा उहदियां लहरां देख के फिर हौसला छड्ड दिंदा वापस आ जांदा, फिर दिल से दलेरी करता कि मैं टप जाना है, फिर पानी चला जाता, फिर उहदियां लहरां देख के फिर वापस आ जाता। गुरु साहब जी फरमाउंदे ना वह पार गया ते ना ही रुआर रहा पानी दे विच ही गए लेकिन टप नहीं सके। सो साडी हालत है कदी असी साडे विच कोई ऐसा भरम पै जाता है असी नाम छड्ड दिंदे आ, सत्संग छड्ड दिंदे आ, साध संगत छड्ड दिंदे आ, है जी ते पिछे हो जाने। कदी साडे विच प्यार आ जाता है, इन्ना प्यार आ जाता है कि असी फिर अगे आ जाते हैं, कदी फिर पिछे आ जाते हैं। गुरमुख जेड़े है वो एक बार जब उन्होंने कदम पुटिया फिर पिछे नहीं लिया, फिर उन्हें कोई भरम नहीं किया। साध को मिलन जाइए साथ न लीजिए कोए, पिछे पौ ना दीजिए अगे होए तो होए। कहिंदा पिछे ना कदम दे तू अगे चली जा तुरी जा तुरी जा, एक दिन तू पहुँच जाएगा। जे तू खड़ा हो गया फिर पिछ पाड़ा पै गया, फर्क पै गया, फिर पहुँचना मुश्किल है। हाँ जी कर बाजी पल चल पार गोर मुख जाप तप संजमी हर के नाम प्यार। साढ़े जप तप संजम जेड़े है वह भी दस रहे है कि असी जप तप करते हैं कुछ संजम करते हैं रखते हैं, कहिंदे ठीक है लेकिन गुरमुखां दा जिहड़ा सतगुरु नाल प्यार हुंदा इहदे विच सारे जप तप आ जांदे, उह सारे जपां तपां दा इक मूल है। क्यों उहनां दा प्यार सच्चा हुंदा है, सब जप तप उहदे विच आ जांदे आ। तुसीं विचार करो पिछले इतिहास पढ़ो कि 12 साल महाराज तीसरी पातशाही ने अपने मुरशद दा पाणी टोया उही जप तप बन गया, उही जप तप बन गया
वही पूजा पाठ बन गई, उहदे विचों उहनां नूं सब कुछ मिल गया। गुरु रामदास जी ने 70 बार चौंतरे बनाए, उन्हें कहड़ा जप तप किया, कहड़ी पूजा पाठ की, लेकिन उही उन्हां दी पूजा बन गई, उही पाठ बन गया, उही तीर्थ बन गए। 70 बार गुरु का हुक्म मन्या, चौंतरे बनाए, उहदे विचों सब कुछ मिल गया। गुरमुखां दा जप तप संजम जेड़े है वह सतगुर का प्यार है। हाँ जी, गुरमुख जप तप संजमी हर के नाम प्यार, गुरमुख सदा ते आई करतार। गुरु साहब जी बड़े प्यार नाल फरमा रहे कि गुरमुख सदा वास्ते ध्यान दे है एक नाम, वो किसी पासे अपना ख्याल नहीं लेंदे, हो एक नाम का ही जाप करते हैं, उन्हां दा उही जप तप, उही तीर्थ, उही वरत, उही सब कुछ जाने उसे नूं समझदे। हाँ जी, गुरमुख सदा ते आई है एक नाम करतार, नानक नाम ते आई काया। गुरु नानक देव जी महाराज शब्द समाप्त करते हुए बड़े प्यार नाल फरमा रहे हैं कि भाई नाम त्याओ जिहड़ा सारे जीवां दा उधार है, एक सिर्फ मनुष्यां नूं नहीं, ये कीड़िया मकोड़िया नूं भी उही उधार दे रहा है, पशुआं परिंदियां नूं भी उही उधार दे रहा है। वो नाम ही कई बार दसे कि असी अपने उत्थे जदों खूही कढ़ी दाई चक कोई 7-8 फुट थले गए तो एक बिच टोआ जिहा बनया, तो उहदे विच एक कीड़ा सी लुड़ा जिहा, तो वह जींदा सी। असी बड़े हैरान होए कि 7-8 फुट इस नूं इत्थे रोजी कौन दे रहा, ये जींदा किस तरह है। वो मालिक जिहड़ा है वो सब जीवां दा जमीन च पानी विच हर थां ते सारयां दा ही उधार हो, वो दे रहा सारयां नूं, असी उहनूं ध्याणा चाहीदा, तद साडी कल्याण हो सकदी है, तद असी अपने घर जा सकदे हां। जो गुरु साहिब जी बाणी च फरमा रहे ठीक फरमा रहे। हाँ जी, नानक नाम ते आई है सबना जिया कायदार।